press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हंगामे के बीच नगर परिषद का बजट हुआ पारित, पक्ष विपक्ष में हुई गर्मागर्मी। विषाक्त हलवा खाने से 5 ने गंवाई जान, आंगनबाड़ी का आटा बना जानलेवा। अलवर के कर्नल का वीडियो हुआ वायरल, जात पात भूलने का दिया सबक। भारतमाला बचपन यात्रा की हुई शुरुआत, सरहदी इलाकों में किया आगाज। और अब समाचार विस्तार से। अलवर नगर परिषद बोर्ड की शनिवार को हुई बैठक हमेशा की तरह हंगामेदार रही। बैठक के दौरान कई बार पार्षदों के बीच गर्मा गर्मी सामने आई। आखिरकार परिषद में 87.4 करोड़ रुपए का बजट पारित कर दिया गया। बैठक के दौरान जब प्रतिपक्ष नेता नरेंद्र मीणा, पार्षद नारायण साईवाल, अजय पुनिया और कपिल राज टोकाटाकी कर रहे थे, तो भाजपाई पार्षद घनश्याम गुर्जर और सत्ता पक्ष के अन्य पार्षदों ने उन्हें रोका। इसके बाद बैठक में तनाव का माहौल पैदा हो गया। वहीं प्रतिपक्ष कांग्रेस के पार्षद शहर की सफाई, रोशनी, आवासीय पट्टे, आवारा पशु आदि मुद्दों को उठाते रहे। हंगामे के दौरान ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने वर्ष 2018-19 के लिए परिषद का 87.4 करोड़ रुपए खर्च का बजट पारित कर दिया। पारित किया गया बजट पिछली बार के बजट से 6.14 करोड़ रुपए अधिक है। नए बजट में सफाई का खर्च पहले की तुलना में करीब 1.5 गुना रखा गया है। पहले वार्षिक सफाई का खर्च 6.60 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 9 करोड़ रुपए हो गया है। बैठक के दौरान सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव भी पहुंचे। दलगत राजनीति को भुलाकर भाजपा विधायक बनवारीलाल सिंगल और सभापति अशोक खन्ना ने नगर परिषद के मुख्य द्वार पर आकर उनका स्वागत किया। सांसद का कहना था कि उनका कोष सभी के लिए है और इससे पूरे लोकसभा क्षेत्र में विकास करवाए जाएंगे। उनका यह भी कहना था कि सफाई का काम स्थानीय निकाय की प्राथमिकता में होना चाहिए। तो देखिए, सांसद का विवेक होता है और जनता की जरूरतों के हिसाब से सभी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर उनके हक और अधिकार जितना बनता है उस हिसाब से जनता की डिमांड को देखते हुए किया जाएगा। वहीं विधायक सिंगल ने शहर के विकास के लिए संकल्पबद्ध होने की बात कही। वहीं अलवर की एक नई तस्वीर बनाने के सहयोग का आह्वान भी किया। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बड़ी दुखांति का सामने आई है। यहां विषाक्त हलवा खाने के बाद फूड प्वाइजनिंग से बालिका समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से बीमार हो गए। यह तथ्य भी सामने आया कि यह हलवा आंगनबाड़ी केंद्र से आए आटे से बनाया गया था। जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा के ब्लाई खेड़ा गांव में शुक्रवार शाम को मोहनदान चारण ने घर पर आए मेहमानों को आंगनबाड़ी केंद्र से मिले आटे से हलवा बनाकर खिलाया। हलवा खाने के कुछ देर बाद ही सज्जन सिंह, उसकी पत्नी राधा, 3 साल की पुत्री मनूर और केसर की तबीयत खराब हो गई। इसके साथ ही लक्ष्मी, शक्तिदान, रुक्मणी और गोपी की हालत बिगड़ गई। इन सभी के उल्टी करने के बाद अफरा तफरी मच गई। इसी बीच घटना की सूचना पर एम्बुलेंस 108 मौके पर आ गई और सभी को तुरंत गंगापुर चिकित्सालय पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने मानूर को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य सभी की हालत गंभीर होने पर उन्हें भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया। दूसरी ओर भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में उपचार के दौरान रुक्मणी, गोपी और केसर ने भी दम तोड़ दिया। इस बीच पुलिस उपाधीक्षक गोवर्धन लाल गंगापुर और अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर राजेंद्र सिंह कविया महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचे। जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने भी यहां आकर भर्ती लोगों से जानकारी ली। शाम में ये सूचना मिली कि गंगापुर ब्लॉक में केला नामक एक गाँव है, जहाँ एक फैमिली थी जिनके पास कुछ गेस्ट आए हुए थे,
और वहाँ उन लोगों ने शाम में कुछ खाने के पदार्थ बनाए, हलवा वगैरह। इसको खाने के बाद तबीयत कुछ समय बाद बिगड़ी और फिर उनको इलाज के लिए जब पहले गंगापुर और यहाँ रेफर किया गया, तो उसमें दो बच्चों की और तीन एडल्ट्स की लाने के दौरान और यहाँ आने के बाद हॉस्पिटल आने के बाद डेथ हुई। अब तक की जांच में पुलिस गेहूं के साथ सल्फर पिसने की आशंका जता रही है। गंगापुर SHO का कहना है कि मामला फूड पॉइजनिंग का है। मौके पर आंगनबाड़ी से मिलने वाले आटे की थैली मिली है। बताया जाता है कि इसी आटे से हलवा बनाया गया था। गंगापुर अस्पताल से डॉक्टर शरद नलवाया के नेतृत्व में चिकित्सक टीम ने खाने के सैंपल, आंगनबाड़ी के आटे और डिब्बे आदि से भरे सामान के सैंपल लिए हैं। सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के एक अधिकारी सौरभ सिंह शेखावत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शेखावत ने बताया है कि सेना में धर्म और जाति को लेकर विवाद क्यों नहीं होता। ट्विटर पर शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 1,00,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। राजस्थान के अलवर के रहने वाले कर्नल सौरभ सिंह शेखावत के इस वीडियो को जाट रेजिमेंट की 19वीं बटालियन में तैनात पूर्व भारतीय सैन्य अधिकारी रघु रमन ने ट्विटर पर डाला है। पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स की 21वीं बटालियन में तैनात कर्नल शेखावत देश में सेना के सबसे अनुशासित अधिकारियों में से एक है। वीडियो वायरल होने के बाद सौरभ सिंह शेखावत को खासी तारीफ मिली है। रघु रमन ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर आपको कुछ अच्छा सुनना है तो कर्नल शेखावत को सुने। शेखावत ने 1 मिनट में ही वह सबक सिखा दिया जिसे हमारे सभी राजनेता मिलकर भी हमें नहीं सिखा पाए। इस वीडियो में कर्नल शेखावत कह रहे हैं कि सेना में आप काफी धर्म निरपेक्ष सोसाइटी में रहते हैं और आपको वहां एक यूनिट के तौर पर बर्ताव करना होता है। आगे वे कहते हैं कि जब मैंने स्पेशल फोर्स ज्वाइन की थी तब मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझसे प्रश्न किया था कि तुम्हारा धर्म और जाति क्या है। मैंने उत्तर दिया कि मैं हिंदू राजपूत हूँ। मेरा उत्तर सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जाओ जाकर उस गंदे पानी में डुबकी लगा कर आओ। मैंने उनकी बात मानते हुए गंदे पानी में डुबकी लगा दी। इसके बाद शेखावत के अधिकारी ने यही सवाल दोहराया। इस पर कर्नल ने कहा कि मेरा धर्म SF यानी स्पेशल फोर्स है और जाति भी SF है। तब उन्होंने सीख देते हुए कहा कि तुम एक अधिकारी हो तो तुम्हारा धर्म वही होगा जो तुम्हारे जवानों का धर्म है। अगर तुम्हारे जवान हिंदू हैं तो तुम भी हिंदू हो, अगर वह सिख है तो तुम भी सिख हो। आर्मी यू लिव इन अ वेरी वेरी प्लूरलिस्टिक सेक्युलर सोसाइटी एंड यू एक्ट लाइक अ यूनिट। सो व्हेन आई वाज आई कीप सेइंग दिस व्हेन आई वाज कमीशन्ड एंड व्हेन आई जॉइन स्पेशल फोर्सेस आई वाज आस्क्ड बाय वन ऑफ माय NCO दैट व्हाट इज योर रिलीजन व्हाट इज योर कास्ट। आई सेड आई एम हिंदू राजपूत। सो ही सेड ब्लडी चैप टेक अ डिप इन दैट डर्टी वाटर। सो आई वेंट एंड आई टुक अ डिप देन आई रियलाइज्ड दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग आई हैव सेड। So again he asked. So then I said, "Sir, my religion is SF and my caste is SF. Now you know." So he then told me that you see, you are an officer, and so your religion is the religion which is the religion of your boys. So if your boy is a Hindu, you are a Hindu. If your boy is a Sikh, you are a Sikh. If your boy is a Christian, you are a Christian. If boy is a Muslim, you are a Muslim. So as an officer, you are everything. So when we have this kind of template, and if you apply this template in the country, I think most of the problems will be solved. Yeah, and all the religions are there, all the classes and clans are together, and still they are one unit. And you see, गौरतलब है कि सौरभ सिंह शेखावत का जन्म राजस्थान के अलवर में हुआ था। शेखावत एक कुशल पर्वतारोही भी हैं। वे 3 बार 2001, 2003 और 2005 में माउंट एवरेस्ट फतह कर चुके हैं। शेखावत को बहादुरी के लिए कई अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने बाड़मेर से भारत माला बचपन यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों और पुलिस थानों में पहुंचकर वास्तविकता जानी, साथ ही जन प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों को सरकारी योजनाओं के लाभ रूफ लेवल पर पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान मनन चतुर्वेदी चौहटन क्षेत्र के विभिन्न सरहदी इलाकों में पहुंची। वे सरकारी योजनाओं की क्रियान्विति, शिक्षा और बाल विकास सेवाओं की स्थिति से रूबरू हुई। उन्होंने विरात्रा माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर ट्रस्ट के सचिव भैरव सिंह सोडा ने मंदिर के इतिहास की जानकारी दी।
साथ ही आयोग अध्यक्ष ने केलनूर ग्राम पंचायत परिसर में ग्रामीण महिलाओं और आम जन से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान महिलाओं ने आबादी भूमि के पट्टे दिलवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना और चिकित्सा सुविधा दिलवाने संबंधी समस्याओं से अवगत कराया। मनोज चतुर्वेदी ने सीमावर्ती इलाकों की समस्याओं को राज्य सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों से पोषाहार और शिक्षा की स्थिति के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। इसके अलावा बीजरड़ पुलिस थाने का अवलोकन किया और बच्चों के लिए हेल्थ डेस्क लगाने के निर्देश दिए। साथ ही पंचायत समिति मुख्यालय पर आयोजित बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। आज सवेरे से हमने भारत माला बचपन यात्रा एक कदम बचपन की ओर की शुरुआत, जिसमें हम हर जिले में जहाँ जहाँ से जा रहे हैं, हर ब्लॉक में जहाँ जहाँ से जा रहे हैं और उसके थ्रू फिर हम गाँव गाँव और ठाणी ठाणी जाने का प्रयास करें। आज की शुरुआत हमने चौहत्तर से की और लास्ट में शाम को हमने इस एरिए की समीक्षा बैठक की थी और जो स्थिति है यहाँ के SDM साहब के साथ में और BDO साहब के साथ में, DYSP साहब के साथ में, सबके साथ में, सभी अधिकारियों के साथ में चर्चा की। जो भी चैलेंजेस हैं उन सबको देखा भी जाएगा और करेक्ट भी किया जाएगा। इसमें आज हम 3 गाँवों में गए, एक मेठराऊ, खेरनौर और नवतारा। तो ये वहाँ पर कुछ कहीं कहीं पर कमियाँ आई हैं जो कि मुझे लगता है आपस में कोऑर्डिनेशन के कारण है, लेकिन दे कमिट टू मी एंड टू द चाइल्ड कि वो लोग इन चीज़ों को पूरी तरीके से। उल्लेखनीय है कि आगामी 21 फरवरी तक चलने वाली इस यात्रा के तहत आयोग अध्यक्ष सरहदी इलाकों में पहुंचकर रूबरू हो रही हैं। अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी तादाद में मामले निपटाए गए। वर्षों से पेंडिंग केस सुलझने के बाद परिवादी खुश नजर आए। प्राधिकरण के सचिव और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार जलथोरिया ने बताया कि इसके निस्तारण के लिए पूरे जिले में 32 बेंच का गठन किया गया है। इन बेंच में अध्यक्ष के रूप में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी और राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच के सदस्य के रूप में पैनल अधिवक्ता को शामिल किया गया। वादी और प्रतिवादी एवं अभिभाषकों के सहयोग से प्रकरणों का निपटारा हुआ। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार यह लोक अदालत लगाई गई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ अलवर के अंदर मुख्यालय के अंदर 11 बेंचें गठित की गई है और मुख्यालय से बाहर पूरे अलवर जिले के अंदर 21 बेंचें अतिरिक्त गठित की गई है। इस प्रकार कुल 32 बेंचें पूरे अलवर जिले के अंदर गठित की गई है, जिसके अंदर 7,500 के लगभग मुकदमे इन बेंचों के अंदर आज सुनवाई हो रही है। इसके अंदर भी रेगुलर जो प्रकृति के मुकदमे हैं जो कोर्ट के अंदर लंबित है वो लगभग 5,500 मुकदमे हैं जो कोर्ट में लंबित है। उन मुकदमों को आज आपसी रजामंदी के आधार के ऊपर निपटाए जाने के प्रयास किए। आर्य कन्या विद्यालय समिति द्वारा आर्य सामाजिक परिषद के सहयोग से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस आज मनाया गया। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा को सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने ओम ध्वज और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महर्षि दयानंद का जन्म दिवस है और वो ऐसे संत है जो कुरीतियों के खिलाफ देश को बहुत बड़ा दर्शन देकर के गए हैं। मुझे खुशी है कि आदरणीय स्वर्गीय छोटू सिंह जी आर्य साहब की नेतृत्व में जो संस्था यहाँ पर आर्य समाज के स्कूल्स बने, आज शहर में लगभग 1 दर्जन के आसपास संस्थाएं काम कर रही है, जहाँ पर हमारे बच्चों और बच्चियाँ वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे संस्कारों से युक्त होकर के पढ़ाई के अलावा बच्चों में नैतिक शिक्षा, स्वावलंबन, सेल्फ डिफेंस, घरेलू कार्यों में दक्षता और चारित्रिक बल पे बहुत महत्व संस्था में दिया जाता है। शोभा यात्रा विद्या मंदिर स्वामी दयानंद मार्ग से शुरू होकर मुख्य बाजारों से होते हुए वापस विद्यालय पहुंची। इस मौके पर देश के अनेक भागों से आए साधु सन्यासी और राष्ट्रीय स्तर के आर्य नेता शामिल हुए। वहीं विद्यालय समिति प्रधान जगदीश गुप्ता, निदेशक कमला शर्मा, प्रदीप आर्य, अमर मुनि, डॉक्टर राजेंद्र प्रदीप गर्ग, अशोक आर्य और सुरेश दर्गन आदि मौजूद रहे। इसके अलावा लंगर का भी आयोजन किया गया। अलवर जिले के बहरोड में शनिवार को अलवर सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव की मौजूदगी में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस दौरान 239 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया।
इसके अलावा 3 लोगों ने नेत्रदान और 4 लोगों ने देह दान के संकल्प पत्र भरे। इस अवसर पर सांसद ने रक्तदाताओं से रूबरू होकर उनका आभार जताया। मेरे स्वर्गीय नेता राजेश पायलट साहब का जन्मदिन है, तो बैरूट जन कल्याण युवा संगठन ने उनके सम्मान मंत्री जन्मदिन को मनाते हुए आज ये ब्लड लॉन्च कैंप किया है, जहाँ पर बैरूट के बहुत सारे लोग जो उन्होंने रक्तदान किया। रक्तदान एक बहुत अच्छा है, 239 मिनट का भी बताते हैं, काफ़ी उत्साह है लोगों में। और राजेश पायलट साहब के नाम से ये गतिविधि है। वहीं डॉक्टर करण सिंह का पिछले 1 फरवरी को जन्म दिवस था और इस दिन पैदा हुई बालिकाओं की माताओं को उन्होंने 2100 रुपए की राशि के चेक प्रदान किए। इसके अलावा रक्तदाताओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बस्तीराम और एडवोकेट राजा राम यादव सहित अन्य नेता मौजूद रहे। चलते चलते एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हंगामे के बीच नगर परिषद का बजट हुआ पारित, पक्ष विपक्ष में हुई गर्मागर्मी। विषाक्त हलवा खाने से 5 ने गंवाई जान, आंगनबाड़ी का आटा बना जानलेवा। अलवर के कर्नल का वीडियो हुआ वायरल, जात पात भूलने का दिया सबक। भारतमाला बचपन यात्रा की हुई शुरुआत, सरहदी इलाकों में किया आगाज। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।